हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सादरी में ग्रामीणों के पीछे भाग रहा था जख्मी जरक। ग्रामीणों की सूचना पर इंदल रेस्क्यू दल ने पकड़, पशु चिकित्सालय उपचार बाद किया वन विभाग को सुपुर्द। राणकपुर सड़क मार्ग मघाई नदी में फंदे में उलझा जरा, जो शिकारियों के लगाए फंदे में उलझ जख्मी हालत जरक। हाइना मिला जो ग्रामीणों के पीछे हमला करने को दौड़ रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर इंदल रेस्क्यू दल व वन कर्मियों की देखरेख में सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे राजकीय पशु चिकित्सालय में उपचार बाद वन विभाग को सुपुर्द किया, जो वन विभाग की देखरेख में उपचाराधीन है। आयरन सादड़ी रेंज क्षेत्रीय वन अधिकारी किशन सिंह रणावत ने बताया कि आयरन से सटी राणकपुर सड़क मार्ग मघाई नदी में एक घायल जरक, जो ग्रामीणों पर हमला करने की नीयत में ग्रामीणों के पीछे भाग रहा है, जो शिकारियों के फंदे में फंसा, जहां से फंदे सहित जान बचाकर भाग निकला। ये जख्मी हालत हाइना नदी में राहत को लेकर बैठा, लेकिन नदी से गुजरते ग्रामीणों को देखते ही उन पर हमला करने की नीयत में दौड़ रहा था। भयभीत ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग व इंगल रेस्क्यू दल जितेंद्र सिंह राठौड़, नेति राम देवासी, अशोक देवड़ा, रफीक पठान, विमलपुरी सहित वन कर्मियों ने आदर्श विद्यालय पिछवाड़े मघाई नदी में जख्मी जरक को करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया। जख्मी जरक के गर्दन में गहराई तक फंदे का तार फंसा हुआ था, जिसके दर्द से तड़फड़ाता हुआ ग्रामीणों के पीछे भाग रहा था। पशु चिकित्सक डॉक्टर परीक्षित पुरोहित व बीए बस्तीमल हिगड़ ने उसका उपचार कर फंदे का लगा तार छुड़वा सीजर कर पट्टी करी जख्मी हाइन वन विभाग को सुपुर्द किया, जिनकी देखरेख में वो उपचाराधीन है। जागरूक टीवी के लिए सादरी से खेताराम जाट की रिपोर्ट।